दोस्तों, अब हम आपको पांच ऐसे काम बताने वाले हैं, पांच ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनमें से कुछ आवाम के बीच गलतियां हैं जिसको आप बकरीद के मौके पर भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। नंबर एक, हैसियत हो तो कुर्बानी करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आप बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें, यानी कि बकरीद के मौके पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आप बकरीद के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए कुर्बानी ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि वह हमारे ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी ने इतनी ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की है। और यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर की एक बाल के बदले अल्लाह तबारक व तआला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो बकरीद के मौके पर कुर्बानी ज़रूर करें। नंबर दो, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती है बकरीद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरीद के मौके पर अपने जानवरों को दिखावा करते हैं और अपनी कुर्बानी के जानवरों को लेकर बाजारों में घूमते फिरते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने इस जानवर को 50,000 रुपए में खरीदा है या इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वो दिखावा करते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरीद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई भी दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, इसलिए उसे किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बकरीद के मौके पर जिसने खुशी दिल और सवाब की नीयत से बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर तीन, दूसरे भाइयों को ठेस ना पहुंचाए। दोस्तों, बकरीद के मौके पर आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरीद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी को भी बुरा लगे और उनकी भावनाओं को आहत हो। जैसा कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वह लोग उन्हें माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इसलिए आप गाय के साथ कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि दूसरे को ठेस ना पहुंचाए। नंबर चार, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरीद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी ज़रूर ध्यान रखें, उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी ईद उल फितर, ईद उल अज़हा का त्यौहार आता तो गरीबों और बेसहारा की ज़रूर मदद करते। और उनके अलावा बकरीद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका हिस्सा आप अकेले ना खाए, बल्कि उसका तीन हिस्सा करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों को बांट दे, दूसरा हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में बांटे, और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। या अगर आपकी फैमिली बड़ी है, आप कुर्बानी का गोश्त अपने घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको इजाज़त है, मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त अपने घर में रख लेते हैं मगर उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते और गोश्त ज़ाये कर देते हैं और उनकी फैमिली छोटी होती है। ऐसे लोग गरीबों और मिस्किनों का ख्याल नहीं रखते। तो याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, उसको भी बकरीद के मौके पर ना करें। सारा गोश्त तभी रखें जब आपको लगे कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर पाँच, कुर्बानी की फ़ोटो आप सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। प्यारे दोस्तों, पांचवी गलती यह है
कि जिसको बहुत सारे मुसलमान बकरीद के मौके पर करते हैं वो ये हैं कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर देते हैं। याद रखें, ये बहुत बड़ी गलती है। आप बकरीद के मौके पर भूल कर भी ये गलती ना करें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को देखना ना पसंद करते हैं। इसलिए तमाम लोगों का ख्याल करते हुए ये गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।